पिछले कुछ दिनों में आपने कोरोना वायरस की तीन वैक्सीन्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनी होंगी और आपको ये उम्मीद भी जगी होगी कि अब तीन वैक्सीन्स आ गई हैं और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये वैक्सीन आप तक कब पहुंचेगी लेकिन आज हम वैक्सीन बन जाने के बाद आने वाली समस्याओं की बात करेंगे अब से थोड़ी देर पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है और सबसे पहले हम आपको इसी खबर की पांच बड़ी बातें बताएंगे अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी फाइज़र ने यह दावा किया है कि उसकी वैक्सीन उसकी कोरोना वैक्सीन पचानवे प्रतिशत तक प्रभावशाली है और ये नतीजे इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण के बाद आए हैं अब फाइज़र जल्द ही आपात स्थिति में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी ले लेगी और अगर उसे ये मंजूरी मिल गई तो इसी साल के अंत तक वैक्सीन की पाँच करोड़ डोज तैयार हो सकती हैं और अगले वर्ष के अंत तक वैक्सीन की 130 करोड़ डोज का निर्माण किया जा सकता है अब यह दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन में कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है और पैंसठ वर्ष की उम्र से बड़े लोगों पर यह वैक्सीन चौरानवे प्रतिशत तक कारगर रही है एक हफ्ते पहले फाइजर की वैक्सीन के शुरुआती नतीजे आए थे और तब इसके नब्बे तक कामयाब होने का दावा किया गया था यानी एक हफ्ते बाद आए अंतिम चरण के नतीजों में इस वैक्सीन की सफलता दर पांच परसेंट और बढ़ गई है जो कि अच्छी बात है किसी भी वैक्सीन के निर्माण में वर्षों का समय लगता है और आप कह सकते हैं कि इतने कम समय में कोरोना वैक्सीन का निर्माण एक नया रिकॉर्ड है अब अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस वैक्सीन की सफलता को एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं दो दिन पहले ही अमेरिका की एक और फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के चौरानवे प्रतिशत से ज़्यादा कामयाब होने का दावा किया था उन्होंने 94.5 परसेंट सक्सेस का दावा किया था और पिचानवे प्रतिशत सफलता के साथ अब फाइज़र दुनिया में सबसे आगे निकल गई है और ये आपके लिए एक शुभ खबर है शुभ समाचार है अगर कोई वैक्सीन पचास परसेंट तक भी प्रभावी हो तो उसे बड़ी सफलता माना जाता है और इमरजेंसी में ऐसी वैक्सीन को मंजूरी भी मिल जाती है जिन वैक्सीन्स की सफलता की दर बढ़ रही है उन्हें बनाने वाली कंपनियों की मार्केट वैल्यू भी अब लगातार बढ़ रही है कोरोना वैक्सीन्स को लेकर दुनिया भर में रिसर्च जारी है हालांकि वैक्सीन पर रिसर्च ही काफ़ी नहीं है इसे दुनिया भर के लगभग साढ़े सात सौ करोड़ लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है अब आप ये समझिए कि बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में चार बड़ी समस्याएं क्या हो सकती हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन में शाक मछली के लेवर का तेल एक खास पेड़ की छाल और लगभग 500 अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है हालांकि दूसरी फार्मा कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के बारे में इस तरह की जानकारी अभी शेयर नहीं की है और ऐसा किए जाने की संभावना भी नहीं के बराबर है क्योंकि अभी दुनिया की जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाकर लॉन्च करेगी उसे वैक्सीन बनाने का बड़ा ऑर्डर मिलेगा हर जगह से ये ऑर्डर मिलेंगे दूसरी बड़ी बात है वैक्सीन बनाने में एक विशेष प्रकार के पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने वाले गुण होते हैं ये पेड़ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये इलाका फिलहाल सूखे की चपेट में है और एक और समस्या ये भी है कि वर्ष के कुछ महीनों में ही इस छाल को इस पेड़ से निकाला जा सकता है वैक्सीन में शार्क मछली के लेवर के तेल का इस्तेमाल होना अगली बड़ी चुनौती है पर्यावरण वेदों को आशंका है कि अब वैक्सीन बनाने के लिए ज्यादा संख्या में शार्क मछलियों का शिकार करना पड़ेगा और अब समुद्र में शार्क की कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो सकती हैं वैक्सीन के लिए वायल यानी शीशियां बोरोसिलिकेट ग्लास से तैयार की जाती हैं किसी आम ग्लास के मुकाबले ये ज्यादा तापमान को भी बर्दाश्त कर सकती हैं एक अनुमान के मुताबिक वैक्सीन के निर्माण के लिए बीस करोड़ वायल का इस्तेमाल किया जा सकता है हालांकि दुनिया भर में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए इनके उत्पादन को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यानी वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला तैयार करने के बाद भी कोरोना वायरस को ख़त्म करना मुश्किल होगा क्योंकि इस वैक्सीन को पहले बनाना उसके बाद इसको पैक करना फिर उसे आप तक पहुँचाना और इसे संभाल कर रखना इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है अब तक फाइजर वैक्सीन को माइनस सत्तर डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी हालांकि अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना ने यह दावा किया है कि उसकी वैक्सीन साधारण फ्रिज के तापमान पर भी स्टोर हो सकती है और छह महीने तक वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए उसे केवल माइनस बीस डिग्री के तापमान की जरूरत होती है यानी वैक्सीन को स्टोर करके रखने की समस्या का समाधान हो गया है हालांकि करोड़ों की संख्या में वैक्सीन को बनाने उसे स्टोर करने और फिर उसे उचित तरीके से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होगी और ये लंबे समय तक चल सकती है आज आपको ये जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक चम्मच कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संक्रमित कर दिया है यानी आप कह सकते हैं कि एक चम्मच कोरोना वायरस की कीमत दुनिया क्या जाने इसकी कीमत दुनिया ने एक साल में देख ली है एक चम्मच कोरोना वायरस में कितनी ताकत है और वो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की कुल मात्रा लगभग आठ मिलीलीटर है औसतन एक चम्मच यानी एक स्पून की क्षमता लगभग छह मिलीलीटर होती है और कोरोना वायरस की सिर्फ एक चम्मच से जरा सी ज्यादा मात्रा से दुनिया के पांच करोड़ साठ लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इस एक चम्मच कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया है गति को रोक दिया है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा कर रख दिया है ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है मेट पार्कर उन्होंने खुद के बनाए हुए एक फॉर्मूले के आधार पर यह अनुमान लगाया है सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि कोरोना वायरस की कितनी मात्रा से लोग इन्फेक्ट होते हैं इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में हर दिन कम से कम तीन लाख लोगों के संक्रमित होने का एक आंकड़ा लिया इस फॉर्मूले के आधार पर मेट पार्कर ने दुनिया में कोविड 19 से इन्फेक्टेड लोगों के शरीर में कोरोना वायरस की मात्रा की गणना की कोरोना वायरस का आकार इतना छोटा होता है सूक्ष्म होता है कि आप इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते मनुष्य की एक कोशिका का साइज करीब 100 माइक्रोमीटर होता है ये हमारे सिर पर पाए जाने वाले एक बाल की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इंसानों की कोशिकाओं का आकार कोविड 19 वायरस के आकार से 10 लाख गुना ज्यादा होता है मेट पार्कर के मुताबिक कोरोना वायरस असल में एक तरह के कंप्यूटर कोड की तरह है जो इंसानों के सिस्टम यानी कोशिकाओं में गड़बड़ी पैदा करता है और इस वायरस ने इंसानों के साथ पूरी दुनिया के सिस्टम को भी अब इन्फेक्ट कर दिया है एक चम्मच कोरोना वायरस ने देश में कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के तेरह स्कूलों में 103 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और अब हरियाणा के स्कूलों में रेंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है हालांकि सरकार ने यह तय किया है कि सभी स्कूलों और सभी छात्रों का टेस्ट अभी नहीं किया जाएगा हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी स्कूल में अगर एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिलेगा तो उस स्कूल को चौदह दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा आपको याद होगा हरियाणा में दो नवम्बर से नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों को खोल दिया गया था देश के कई राज्य हरियाणा के स्कूल अनलॉक मॉडल पर ध्यान दे रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि अगर हरियाणा के स्कूलों में कोविड 19 का इन्फेक्शन नहीं फैला तो फिर वो भी अपने राज्यों में स्कूलों को खोल देंगे लेकिन अब हरियाणा के स्कूलों में कोरोना फैलना शुरू हो गया है जिसने सरकार की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है इसलिए आपके राज्य में अगर स्कूल शुरू हो भी जाएं, कॉलेज शुरू हो भी जाएं, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हज़ार बार पहले आप सोच लीजिएगा आपने देखा होगा दिल्ली में भी आजकल कोरोना वायरस के मामले बहुत बढ़ गए हैं और दिल्ली अब दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है जिस तेज़ी से ये मामले बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से और कह रहे हैं कि दिल्ली में तीसरी लहर चल रही है कोरोना वायरस की वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सरकार ने बहुत जल्द सब कुछ अनलॉक कर दिया उन्होंने बाज़ार खोल दिए उन्होंने मॉल्स खोल दिए उन्होंने जिम्स खोल दिए और सब कुछ जो ज़िंदगी है उसे पहले की तरह नॉर्मल कर दिया और उसका कारण ये हुआ कि अब दिल्ली में फिर से तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है इसलिए आप सब लोगों को अभी बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है और जब तक कोरोना की वैक्सीन आप तक नहीं पहुंच जाती तब तक आपको ऐसे ही रहना होगा तब तक आपका जो मास्क है वही आपकी वैक्सीन है आपकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वही आपकी दवाई है प्रेजेंटिंग न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोडेड नाउ